Assalamualaikum. Welcome back to Smart Real Estate Lahore. My name is Ali Rashid, and today I'll be giving the introduction of Phase 7's video. So in Phase 7's video, we will show you what are the main road rates and how many houses are over there, kitne ghar hain aur main road ke rates kya. DHA फेज 7 मेन बुलेवार्ड पे हूँ और मेन बुलेवार्ड का जैसे कि मियाँ साहब ने इंट्रोडक्शन में बताया, छोटे मियाँ साहब ने, कि आज हम मेन बुलेवार्ड फेज 7 के रेट्स और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सिचुएशन और कमर्शियल एक्टिविटीज क्या हैं वो विजिट करेंगे. मैं इस वक्त क्यू ब्लॉक की मेन 150 फीट रोड पे हूँ और यहाँ से ट्रेवल करेंगे टूवर्ड्स वाई ब्लॉक और उसके बाद जो एरिया राया और Z1W वाली मेन वो भी देखेंगे. तो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे रेट्स क्या हैं. बिल्कुल डेड एंड पे हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये डेड एंड है और ये एक टाइम आएगा ये बरकी रोड के साथ कनेक्ट करेगी ये रोड और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. मेन बुलेवार्ड के ऊपर मोस्टली एक किनाल के प्लॉट्स हैं और अगर कॉर्नर होगा तो वो 4.25-4.5 करोड़ रुपए का. वैसे नॉर्मली इस मेन के ऊपर आपको 3.90 करोड़ से लेके 4.25 करोड़ रुपए की रेंज में एक किनाल का प्लॉट मिल जाता है. और इसी तरह जैसे जैसे आप आगे जाएंगे W या U या T और फिर वाई ब्लॉक, तो वहाँ पे आपको रेट 4.25-4.25 से माइनस प्लस आपको रेट्स मिलेंगे. तो मेन रोड्स के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो है. हम आपको मेन रोड के ऊपर जो सिचुएशन है वो दिखाते हैं. ये जो मेन 150 फीट रोड होता है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सर्विस लेन है वो तकरीबन 40 फीट वाइड रोड होती है और अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट में प्लॉट परचेज करें तो आपको 40 फीट की बजाय 50 फीट वाइड रोड मिलता है. जैसे कि आप ये मेन रोड देख रहे हैं, मेन रोड के साथ जो आप घर के लिए यूज करेंगे रोड वो थोड़ी नैरो है. DHA के अंदर ये आप समझ लें कि एक फ्लॉ है कि इनकी जो सर्विस लेन है मेन रोड के साथ वो बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है. जैसे ही आप क्यू ब्लॉक के डेड एंड से स्टार्ट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं क्यू ब्लॉक का जो सेंट्रल कमर्शियल एरिया है वहां पे भी ये सारी डेवलपमेंट हो रही है. मुख्तलिफ बैंक आ रहे हैं जैसे कि बैंक अल हबीब, जलाल सन्स, बैंक अल फलाह और इसी तरह अंदर CCA के अंदर भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है. और इस वक्त मैं क्यू ब्लॉक की मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये आपको विजिट करा रहा हूँ और क्यू ब्लॉक से जैसे ही आप आगे एंटर करते हैं तो आपकी मेन बुलेवार्ड जो है वो S ब्लॉक में एंटर होती है और S ब्लॉक जो है वो भी बड़ी तेज़ी से डिवेलप हो रहा है. खूबसूरत लोकेशन है और ये पूरा एरिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है. और अगर आप यहाँ पे प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, जैसे क्यू ब्लॉक डेड एंड से हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे आपको 3.90-4 करोड़ रुपए की रेंज में प्लॉट मिल जाएंगे. और जैसे जैसे आप प्राइम एरिया की तरफ आएंगे जहाँ पे मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे कि ये S ब्लॉक है और S ब्लॉक के जस्ट ऑपोजिट आपको जो है वो T ब्लॉक का एरिया नज़र आएगा. ये आप देखें, ये टी ब्लॉक का एरिया है और मेन बुलेवार्ड के ऊपर S और T की डिवाइडिंग मेन 150 फीट रोड जो है इसके ऊपर भी अगर आप प्लॉट परचेज करते हैं तो कॉर्नर वगैरह प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन 4.25-4.5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलेगा और नॉर्मली आपको यहाँ पे 4.10-4.25 की रेंज में यहाँ पे अगर कोई अवेलेबिलिटी हो तो आपको मिल सकती है. इसी तरह ये मेन रोड जो है एक टाइम आएगा जो बरकी रोड से स्टार्ट करेगी और स्ट्रेट आगे PKLI के गेट तक जो है आप इसको अप्रोच कर सकते हैं. इसी तरह आपको मुख्तलिफ टी ब्लॉक के अंदर फैसिलिटीज जो हैं वो भी मेन रोड के ऊपर मिलेंगी और मेन रोड के बिल्कुल साथ जो है वो आपको Carrefour बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी यहाँ पे बना है. और स्पेशली मेन बुलेवार्ड को हम विजिट कर रहे हैं, साइड पे देखें अटक का पेट्रोल पंप है, उसके साथ एक बहुत बड़ी जामिया मस्जिद की जगह है और इसकी बैक पे पीछे आपको Carrefour की बिल्डिंग भी नजर आएगी. इसी तरह ये जो टी ब्लॉक है, टी ब्लॉक के ऑपोजिट S और S का ये जो मेन रोड आपको सामने नजर आ रहा है, ये देखें S ब्लॉक के मेन रोड जो कि V ब्लॉक के साथ डिफेंस राया को अप्रोच करता है, यहाँ पे भी आपको 4.25 करोड़ रुपए की रेंज में प्लॉट्स मिल जाएंगे. और देखिए आप मेन रोड के ऊपर आप खूबसूरत इस तरह का घर बना सकते हैं. अभी मैं इस वक्त V ब्लॉक की मेन बुलेवार्ड पे हूँ और ये मेन जो है पूरे फेज 7 को डिवाइड करती हुई जाती है, जिसमें
क्यू ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक के दो पोर्शंस को डिवाइड करती है, उसके बाद फिर ये एस और टी को डिवाइड करती है, आप वी और यू को डिवाइड कर रही है। ये आप देखें बड़े खूबसूरत यहाँ पे आपको मुख्तलिफ हाईलाइट्स में घर नजर आएंगे। ये देखें ये मेन के ऊपर एक किनाल का लॉन है और उसके साथ एक किनाल का खूबसूरत घर बनाया गया है। और इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको तकरीबन 40 फिट वाइड जो है वो आपकी सर्विस लेन मिलेगी, उसके ऊपर आप घर बना सकते हैं। और मेन रोड के ऊपर अगर आप घर बनाते हैं तो उसका ये व्यू आएगा, जैसे कि ये फॉर सेल घर सामने अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स पीकेएलआई और वाई ब्लॉक पीकेएलआई हॉस्पिटल की तरफ तो Z1 ब्लॉक है, और अगर आप वाई ब्लॉक के नॉलेज सिटी का जो मेन गेट है उस साइड पे आप ट्रेवल करते हैं तो आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाई ब्लॉक में पार्क भी डेवलप नजर आता है, साथ में मैकडॉनल्ड और पेट्रोल पंप भी वहाँ पे बन चुका है। ये आप देखें ये वी ब्लॉक की मेन के ऊपर जो है वो डेवलप है। इसी तरह एक्स और यू को डिवाइड करता हुआ ये मेन रोड है, यहाँ पे भी अगर आप प्लॉट परचेज करेंगे तो आपको 3.5 से 4 करोड़ रुपए की रेंज पे मेन के ऊपर प्लॉट्स मिलेंगे। तो मजमूई तौर पर अगर आप मेन बुलेवार्ड के ऊपर रहते हैं तो आपको 3.6-3.65 लाख रुपए से लेके 4.5 करोड़ रुपए की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कॉर्नर, बड़ी रोड और 100 फिट या 150 फिट रोड का कॉर्नर, इस प्राइस में आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिलेंगे। इस साइड पे आप देख सकते हैं इस वक्त W ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है और ये भी मेन बुलेवार्ड के ऊपर अगर आप प्लॉट परचेज करेंगे W ब्लॉक के और खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट प्राइजेज में प्लॉट्स मिलेंगे 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए। जैसे कि ये कॉर्नर प्लॉट है ये 4.5 करोड़ डिमांड करेगा। इसी तरह ये दो घर खूबसूरत यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन में यहाँ पे बने हुए हैं, ये आप देखें। और ये मेन बुलेवार्ड DHA फेज 7 का एक्स ब्लॉक है और एक्स ब्लॉक के ऊपर भी आप ये सारी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अभी हम एंटर होंगे Z1 ब्लॉक में और Z1 और Y ब्लॉक के अंदर जो मेन के ऊपर फैसिलिटीज हैं या रेट्स हैं वो आपको डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बताऊं Z1 और Y ब्लॉक के दरमियान में से ये जो मेन 150 फिट रोड आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने, ये वाला जो मेन रोड है ये स्ट्रेट PKLI को जाता है, नॉलेज सिटी को, डिफेंस राया एंड कंट्री क्लब को। यहाँ पे भी प्लॉट आपको 4.25 करोड़ रुपए का Z1 की मेन पे मिलेगा और ये पूरा एरिया अब Z1 का स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं Y ब्लॉक का एरिया है, पीछे बड़ा खूबसूरत एक पार्क डेवलप है, उसके साथ ये मैकडॉनल्ड और साथ में पेट्रोल पंप और इस तरह की तमाम बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे आ रही हैं, खूबसूरत डेवलपमेंट है। और अगर आप मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट रियल एस्टेट से रابطہ करें, हम इंशाल्लाह आपको मार्केट से बेस्ट प्राइस लेके देंगे। हमने क्यू ब्लॉक से स्टार्ट किया और हम इसके मेन 150 फिट रोड से होते हुए Z1 और Y ब्लॉक की डिवाइडिंग मेन रोड के ऊपर हैं और आगे बिल्कुल नॉलेज सिटी का गेट है। एक गेट इसका PKLI के बिल्कुल करीब है और दूसरा इसका गेट जो है वो Z1 और Y ब्लॉक की तरफ ओपन होगा और ये गेम चेंजिंग होगा DHA फेज 7 के लिए। जब यहाँ पे IT पार्क्स बनते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस आते हैं तो मैं समझता हूँ ये गेट जब यूज होगा तो Y ब्लॉक और Z1 के रेट ही डिफरेंट होंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये नॉलेज सिटी का गेट है और ये गेट जो है ये सामने Z1 ब्लॉक को ओपन होगा और इस साइड पे ये जो आप नजर आ रहा है Y ब्लॉक इस साइड पे ओपन होगा। और जैसे ही ये गेट ओपन होगा और इस साइड पे जो रेट्स हैं इस वक्त आपको नॉर्मल प्लॉट जो है वो 3.5 से 4.25 का Y ब्लॉक के अच्छे पोर्शन में मिलता है, इसी तरह Z1 में नॉर्मल प्लॉट इतने का मिलता है और मेन पे आएंगे तो आपको 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए की रेंज में डिपेंडिंग ऑन लोकेशन प्लॉट्स मिलेंगे। तो ये कंप्लीट मेन बुलेवार्ड क्यू ब्लॉक से Z1 और Y ब्लॉक के नॉलेज पार्क
के गेट तक मैंने आपको इसका मेन रोड दिखाया और इसके साथ जो लिंक करती हुई मेन रोड्स हैं जिसमें 100 फिट रोड है, 120 फिट रोड है, वहां पे पौने चार माइनस प्लस में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। लेकिन मेन रोड के ऊपर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मजमुई तौर पर पौने चार करोड़ से लेके साढ़े चार करोड़ रुपए की रेंज में आपको प्लॉट्स मिलेंगे। और इसकी सेल परचेज के लिए आप स्मार्ट रियल एस्टेट से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।